नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप नाइन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। स्मार्ट बम से यूक्रेन के मिलिट्री पोस्ट का कैसे हुआ अंत? रूसी डिफेंस सिस्टम अमेरिका के हिमास मिसाइलों पर कैसे पड़े भारी? विध्वंसक खबरों के लिए देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप नाइन। भीषण विस्फोट से क्रिमिनिया थर्रा उठा है। रूसी फौज ने स्मार्ट बम दागकर यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट को तहस नहस कर दिया है। महाविस्फोट के बाद यूक्रेन की पोस्ट चूर चूर होकर बिखर गई। हमले वाली साइट से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। बखमुत के एक फ्रंट पर रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड और यूक्रेन की टैंक रेजिमेंट में भीषण जंग हुई। इस बीच रूसी तोप के एक गोले ने यूक्रेन के टैंक को ध्वस्त कर दिया। भीषण विस्फोट के बाद यूक्रेन का टैंक कबाड़ में तब्दील हो गया। बखमुत के एक विलेज में यूक्रेन के सैनिक गोलियों की बौछार करते दिखे। रूसी फौज के हमलों को नाकाम करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। कई घंटों तक चली गन फाइट के बाद रूसी सैनिक वापस लौट गए। यूक्रेन की 18वीं सीप्रेट ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर डबल अटैक किया है। रूस की सैन्य साइट पर आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए मिसाइलें दागी गई तो दूसरे छोर से रॉकेट और बमों की बौछार हुई। यूक्रेन का डबल डेकर वॉर प्लान रूस पर भारी पड़ रहा है। वुलहेदर में यूक्रेन के रॉकेट फोर्स ने रूस की सैन्य साइट को चूर चूर कर दिया है। एमएलआरएस से रूस के रसद भंडार पर बैक टू बैक 130 रॉकेट दागे गए। यूक्रेन की रॉकेट स्ट्राइक से रूसी फौज को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। नाटो देशों से मिली एंटी एयरक्राफ्ट गन से यूक्रेन की डिफेंस लाइन मजबूत हुई है। जपुरीजिया के फ्रंट पर यूक्रेन के सैनिकों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से रूसी ड्रोन को मार गिराया है। फिनलैंड से मिले सीसू XA वेपन से यूक्रेनी फौज ने काउंटर ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूसी कब्जे वाले इलाकों में इन बख्तरबंद वाहनों के जरिए यूक्रेनी सैनिक गोलीबारी करते दिखे। रूस की ड्रोन फ्लीट ने यूक्रेन के काउंटर हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूस के ड्रोन 3D मॉडल से यूक्रेन के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। रूस के ड्रोन पहले यूक्रेन के सैन्य ठिकानों की रेकी करते हैं और फिर पिन पॉइंट हमले से यूक्रेन साइट को ध्वस्त कर देते हैं। फौज ने BUKM-3A डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर दिया है। BUKM-3 सिस्टम ने पहले हिमराज की मिसाइलों को ट्रेस किया और फिर कई मिसाइलों को बैक टू बैक मार गिराया। रूस के डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमलों पर भारी पड़ रहे हैं।